अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इमरान अरीश। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से और जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि अक्सर फार्मर हजरात घास लाने के लिए या मुख्तलिफ काम करने के लिए वो घोड़ा रखते हैं या खच्चर रखते हैं या गधा रखते हैं, इस तरह के जानवर जो है वो चक्कों देहातों में ज़रूर रखे जाते हैं, उनसे वो हैवी काम लेते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली गंदम का सीज़न गुजरा है तो वो गंदम को खेतों से अपने घर में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सुबह शाम को घास लाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपने घर से या अपने खेतों से जो उनकी गंदम होती है, जो अनाज होता है, उसको अगर किसी शहर में ले जाना होता है तो तब भी वो खच्चर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हैवी लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब तो जदीद दौर आ चुका है, ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, रक्शा है, ट्रक वगैरह है, तो अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर ना तो बिजली है और जहां पर पानी अभी भी कुएं से निकाला जाता है। तो इसी तरह अभी भी यकीनन बहुत सारे देहात ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे फार्मर हजरात ऐसे हैं जिनके पास जदीद सहूलियत मैसर नहीं हैं। तो ये वीडियो खसूसी तौर पे उन लोगों के लिए है, या वैसे कुछ लोगों ने घोड़े वगैरह शौक किया भी लोग पालते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो अक्सर जब आपके जो गधा है या घोड़ा है या खच्चर है, उनके अक्सर आपने देखा होगा पट्ठों के खिंचाव का मसला हो जाता है, ख्वा वो हैवी लोड की वजह से है या किसी भी कोई भी रीज़न उसकी हुई है, तो पट्ठों के खिंचाव का मसला हो जाता है या कहीं पर स्वेलिंग हो जाती है उनको, या ऐसे घोड़े जो तांगे में इस्तेमाल होते हैं तो उनको भी इसी तरह का मसला आता है और वो शदीद पेन में होते हैं। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो घोड़े गधे खच्चर वगैरह रखते हैं कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनको यकीन नहीं पता होगा कि कौन सा इंजेक्शन लगता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। तो मैं आपको एक इंजेक्शन दिखाने जा रहा हूँ, ये लीड्स फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग है और पेस फार्मा की मार्केटिंग है। ये पेन गो के नाम से इंजेक्शन है, पेन गो के नाम से इंजेक्शन है और इसमें फिनाइल बोटाजोन 200 mg है। ये आप उनको इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं और आप IM भी लगा सकते हैं, लेकिन इंट्रावीनस ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही स्लो स्लो करके लगाइएगा। कम से कम आप एक इंजेक्शन लगाते हुए 1 से 2 मिनट का टाइम जो है वह ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ये अक्सर जो है वह जानवर जैसे कप कपी सी तारी हो जाती है, वो इस तरह भी देखने में आपको मिल सकता है और आप इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और नायाब इंजेक्शन है फिनाइल ब्यूटाजोन, और बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है। अगर आपके गधे का, घोड़े का, खच्चर का, अगर पट्ठों के खिंचाव का मसला है, अगर उनको पेन का मसला है, पेन हो रही है या उनको किसी भी जगह पर स्वेलिंग हो रही है, तो आप ये फिनाइल ब्यूटाजोन पेन गो के नाम से इंजेक्शन है, आप उसको लगवा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।